गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए तो आज हम लोग जो टॉपिक पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे उद्विकास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको आप अंग्रेजी में इवोल्यूशन कहते हैं। तो वो इवोल्यूशन जो आप पढ़ रहे थे, उद्विकास जो आप पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लास्टली में आपको याद होगा, हम आपको बताए थे कि आपका जो ये पृथ्वी जगत है, इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन बताए थे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, तांबा, ये सारे बात चर्चा किए थे कि इन सारे पदार्थों से मिलकर आपके इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जिसमें सबसे पहले जो यौगिक बना है इस पृथ्वी पर, उसमें बताए थे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके किसका निर्माण किया, जल का निर्माण किया। फिर हम आपको बताए कि वो हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से रिएक्शन किया और वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्शन करके किसका निर्माण किया, अमोनिया का निर्माण किया। अतः पानी और अमोनिया जो है, अमोनिया और जल जो है, ये पृथ्वी पर निर्मित होने वाला सबसे पहला कंपाउंड में आता है, क्योंकि सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन डिस्कशन का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, वो तो कब्बे हो गया रे आलोक। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन डिस्कशन अपलोड नहीं हुआ है, देखो कौन नंबर लड़का, उसका नंबर निकालो, उसको फोन कर पूछो तो काहे कुछ कुछ लिखता है, ध्यान देंगे बाबू। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अपलोड कर किया जा चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, आपकी गलती है जो आपको अभी तक नहीं दिखा या आपको नहीं मिला, वो एकदम अपलोड है, आप एक बार रिफ्रेश करेंगे तो वो आ जाएगा। क्लियर? चलिए तो हम आपसे बात करते हैं, तो क्लियर हो गया कि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो जल का निर्माण हुआ, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्शन किया तो किसका निर्माण हो गया, अमोनिया का। अतः अमोनिया और जल जो है ये सबसे पहला निर्मित हो गया। समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे क्या हो गया कि पृथ्वी पर जो मौजूद तत्व था उसका घनत्व लगातार बढ़ता चला गया। दूसरा दिन बोले जैसे यहां है वो ठीक है, मैंने उस पर अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, जिसमें बच्चा को देखे उन देखना पड़ेगा। बात करो विकी जी से, ये दोनों वीडियो बाबू अपलोड है, सारे बैच में है ना, तो चेक कर लो, ये दोनों वीडियो अपलोड है, अभी तुरंत हमको खोल के दिखाया आलोक और बताया कि देखिए सारे बैच में अपलोड है और पब्लिश भी किया हुआ है, और किसी पार्टिकुलर आदमी को नहीं दिख रहा है तो उसका प्रॉब्लम है, बाद में खींचुकी औरों को प्रॉब्लम रहता है, किसी को नहीं दिखता तो जरूर फोन आता या जरूर हम उस पर विचार करते, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है तो ये कुछ लोगों का सिर्फ प्रॉब्लम है, नहीं कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है मतलब कि ये कुछ लोगों का प्रॉब्लम है। क्लियर? चलिए आइए, तो क्लियर हो गया कि पृथ्वी पर जो मौजूद यौगिक था उस तत्व उसके घनत्व के आधार पर क्या किया गया है, जमने लगा और धीरे धीरे पृथ्वी की संरचना का क्या हो गया, निर्माण हो गया। जैसे हम आपको बताए कि कुछ जैसे गैसियस भी आपके पृथ्वी के निर्माण में है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब हो गया, और कुछ क्या है आपका भारी मटेरियल भी है, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब भी है जो आपके पृथ्वी में जो खनिज तत्व के रूप में पाया जाता है। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा था, जिसका डेंसिटी कम था, उस आधार पे क्या किया गया, आपकी पृथ्वी जो है, आपकी पृथ्वी को तीन परतों में बांट दिया गया। कितने परतों में बांटा गया, तीन परतों में बांटा गया, और आप इस फिगर में ये देख सकते हैं कि आपकी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को तीन भागों में बांटा गया। ये जो सबसे बाहरी भाग आप देखते हैं, इस बाहरी भाग को जानते क्या कहा जाता है, इस बाहरी भाग को क्रस्ट कहा जाता है। कहेगा सर क्रस्ट का मतलब क्या होता है, तो क्रस्ट का मतलब होता है जिसको आप भूपटल कहते हैं या भूपृष्ठ कहते हैं। तो सबसे ऊपरी भाग क्या हो गया, भूपृष्ठ हो गया, भूपृष्ठ हो गया, या इसी को क्या कहा जाता है, इसी को भूपटल के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो है भूपटल या भूपृष्ठ के नाम से जाना जाता है। फिर पृथ्वी का दूसरा भाग जो है,
नहीं, ये दूसरा भाग जो इसका है इसको क्या कहा जाता है, तो दूसरे परत जो है इसको मेंटल कहा जाता है। दूसरे परत को क्या कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है। और सबसे अंदर वाला जो परत है इन सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपकी पृथ्वी जो है उस पृथ्वी को तीन भागों में बांटा गया, सबसे बाहर वाला भूपृष्ठ कहलाया, उसके बाद मेंटल कहलाया और सबसे अंदर वाला क्या कहलाया, कोर कहलाया। इसी का दूसरा नाम है सबसे ऊपर वाले को क्रस्ट, या इसी को क्या कहा जाता है, सियाल भी कहा जाता है। दूसरे को मेंटल या इसको सीमा भी कहा जाता है, और तीसरे को कोर या इसको क्या कहा जाता है, नीफे भी कहा जाता है। यानी बायोलॉजी के साथ साथ समझो चला तो ज्योग्राफी भी क्लियर हो रहा है, क्लियर ध्यान दो। तो आप ये तीनों नाम याद रखेंगे, क्योंकि आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है या उसको सियाल कहा जाता है, दूसरी परत को सीमा या नीफे कहा जाता है, और सबसे आंतरिक परत को कोर, दूसरी परत को सीमा या मेंटल कहा जाता है, और तीसरी परत को कोर या नीफे कहा जाता है। सबसे बाहरी परत जो है वो सिलिकन और एल्युमिनियम का बना होता है। पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत है वो सिलिकन और एल्युमिनियम का बना होता है। इसके अलावे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब भी मौजूद होता है। दूसरा परत जो है ये सिलिकन और मैग्नीशियम का बना होता है, और सब पृथ्वी का कोर जो है सबसे आंतरिक परत जो है ये निकेल और फेरस का बना होता है। इसके अलावे अन्य हैवी मटेरियल्स भी पृथ्वी के कोर के निर्माण में रहता है, और अंदर में जो निकेल और फेरस है, निकेल और लोहा है, इसी निकेल और लोहा के कारण क्या होता है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। पृथ्वी के पास जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कारण क्या है, तो पृथ्वी के पास जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कारण है पृथ्वी में क्या होना, इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कारण है पृथ्वी में अत्यधिक आकर्षण होना। क्लियर हो गया, चलिए आगे स्पष्ट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हल्के तत्व के द्वारा पृथ्वी के क्या हो गया, वातावरण का निर्माण हो गया। हम पहले भी बता दिए जो हल्का हल्का तत्व है, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, इन सब से क्या हो गया, पृथ्वी का जो आपका वातावरण है इस पृथ्वी के क्या हो गया, वातावरण का निर्माण हो गया। शुरुआती अवस्था में पृथ्वी पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या हो गया, अंदर का तत्व जो है वो बाहर निकलकर विभिन्न प्रकार के तत्वों से संयोग कर लिया, जिसमें कार्बाइड और नाइट्राइड का भी निर्माण हुआ। जैसे मान लिया जाए आपका कैल्शियम जो है ये कार्बन से रिएक्शन किया, तो जब कैल्शियम कार्बन से रिएक्शन किया तो कैल्शियम कार्बाइड का निर्माण किया, या सोडियम नाइट्रोजन से निर्माण किया, अभिक्रिया किया तो सोडियम नाइट्राइड का निर्माण किया। तो शुरुआती दौर में ऐसा हुआ कि आपका कैल्शियम कार्बाइड बन गया, सोडियम नाइट्राइड बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत सारे नए नए यौगिकों का निर्माण हो गया, और इन सारे यौगिकों के निर्माण के फलस्वरूप क्या हो गया, पृथ्वी पर बहुत सारा यौगिक जो है वह स्थापित हो गया, बहुत सारे यौगिक का निर्माण हो गया। जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया तो जलवाष्प क्या हो गया, घनीभूत होकर द्रव के रूप में परिवर्तित हो गया, और लगातार करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होने लगा, जिसको टोरेंशियल रेन कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर शुरुआती दौर में हम आपको बताए थे कि 6000 डिग्री सेल्सियस था, धीरे 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 जब वो 6000 डिग्री सेल्सियस था तो समझे पूरा गैस के गोला के रूप में था। तो धीरे धीरे क्या हो गया, तापमान घटता गया, तापमान घटता गया, तापमान घटता गया, और जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान आ गया, तो जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पृथ्वी का जब घट कर आ गया, तो उस 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या हो गया बाबू रे, जब 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो इस तापमान पर जो हो गया जलवाष्प घनीभूत हो गया, और जलवाष्प घनीभूत होकर क्या हो गया, द्रव के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद लगातार वर्षा शुरू हुई, जिसको आप महाबारिश कह सकते हैं, और ये महाबारिश करोड़ों वर्ष तक लगातार होते रह गया। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, टोरेंशियल रेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, टोरेंशियल रेन के नाम जाना जाता है। और जब करोड़ों वर्षों तक लगातार वर्षा होती रहा तो पूरी पृथ्वी क्या हो गई, जलमग्न हो गई, और जलमग्न होने के कारण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो गया, सरल यौगिक जो था वो धीरे धीरे जटिल यौगिक में कन्वर्ट होने लगा। इसके अलावे एसिटिलीन, मीथेन गैस, इथेन गैस, एमिनो एसिड, ग्लूकोज आदि जो है बहुत सारे पदार्थों का निर्माण क्या हो गया, इस पृथ्वी पर होने लगा। इन किन प्रकार ने देखा गया कि इस पृथ्वी पर
सरल सरल यौगिक जो है वह आपस में रिएक्शन करके एक जटिल कंपाउंड का निर्माण होगा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो गया, प्रोटीन का निर्माण हो गया, वसा का निर्माण हो गया और न्यूक्लिक एसिड का भी निर्माण हो गया। और बाद में देखा गया कि यह न्यूक्लिक एसिड जो है, इसी न्यूक्लिक एसिड में दो तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है, एक को डीएनए कहा जाता है और दूसरे को आरएनए कहा जाता है। एक को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है और दूसरे को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। और ये डीएनए आरएनए किससे मिलकर बना भाई? तो डीएनए और आरएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना और उसी में डीएनए क्या हो गया, इंबॉडी का निर्माण करने लगा और उसी इंबॉडी से क्या हो गया, एक नए जीव की शुरुआत हुआ। उसी जीव को आर्कोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। और ये डायनासोर है जिसके बारे में कल भी बताए थे कि मेसोजोइक काल जो है उसमें डायनासोर क्या हो गया, फला फूला। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका डायनासोर जो है इस किस काल में ये फला फूला। तो आप आंसर क्या बोलोगे, डायनासोर जो है ये मेसोजोइक काल में बहुत ज्यादा फला फूला। क्लियर हो गया। उसके बाद आप क्या देखे कि आपका न्यूक्लिक एसिड जो था उसमें डीएनए जो है वो क्लोज्ड हो गया, उस पृथ्वी के जो पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गया था, तो पानी के ऊपरी परत के अंदर जो है जब वो क्लोज हो गया तो उसी से आर्कोबैक्टीरिया का निर्माण हो गया। अतः आर्कोबैक्टीरिया जो है ये पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला क्या हो गया, सबसे पहला जलीय जीव हो गया। अर्थात उसको किस नाम जानते हैं, आर्कोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। शुरू शुरू में ये आर्कोबैक्टीरिया क्या था, ये रासायनिक पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करता था। तो शुरू शुरू में ये आर्कोबैक्टीरिया जो है रासायनिक पदार्थ के रूप में भोजन को ग्रहण करता था, तो इसको रसायन पोषी माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया गया और क्लोरोफिल पाया गया। जब इसमें क्लोरोफिल पाया गया यानी हरित लवक पाया गया, तो हरित लवक होने के कारण क्या हो गया, यह आर्कोबैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण की घटना होने लगी। और ये प्रकाश संश्लेषण की घटना जो होने लगी, इसमें आर्कोबैक्टीरिया क्या हो गया, वो स्वपोषी हो गया। एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे। नहीं, सबसे पहले तो ये आपके दिमाग में सेट हो गया कि पृथ्वी पर जो सबसे पहले जीव का उत्पत्ति हुआ है, पृथ्वी पर जो सबसे पहले क्या कहते हैं, जीव का निर्माण हुआ है, उस जीव को किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि पृथ्वी पर जिस जीव का निर्माण हुआ है उस जीव को कहा जाता है आर्कोबैक्टीरिया। क्या कहा जाता है, पृथ्वी पर जिस जीव का निर्माण हुआ उस जीव को आर्कोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। अब वो आर्कोबैक्टीरिया क्या है, वह सबसे पहला उत्पन्न होने वाला जीवित जीव। तो पहला तो सवाल एग्जाम यही पूछेगा जो आपके दिमाग में सेट हो गया कि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला पहला जीव कौन सा है, तो वह आर्कोबैक्टीरिया है। अब आर्कोबैक्टीरिया के स्वभाव के बारे में, आर्कोबैक्टीरिया के गुण के बारे में बता रहे हैं कि आर्कोबैक्टीरिया शुरू शुरू में क्या था, वो रसायन पोषी था। क्यों रसायन पोषी था, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए रासायनिक पदार्थ पर निर्भर करता था। तो जब आर्कोबैक्टीरिया शुरू शुरू में रासायनिक पदार्थ को भोजन के रूप में करता था तो स्वाभाविक है वो रसायन पोषी होगा। लेकिन बाद में चलकर क्या हो गया कि उस आर्कोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया गया यानी हरित लवक पाया गया। और ये आप जानते हैं कि जिसमें हरित लवक पाया जाएगा, निश्चित रूप से जिसमें हरित लवक होगा समझिए उसमें जो है क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस जरूर होगा, प्रकाश संश्लेषण जरूर होगा। और जिसमें प्रकाश संश्लेषण होगा वो फिर से क्या करेगा, वो आपको भोजन स्वतः देगा, अर्थात वो स्वपोषी कहलाएगा। तो आर्कोबैक्टीरिया में क्या हो गया, बाद में चलकर हरित लवक डेवलप हो गया, नहीं क्लोरोफिल डेवलप हो गया। और इस क्लोरोफिल के डेवलप होने से, हरित लवक के डेवलप होने से क्या हो गया कि वो आप स्वतः अपना भोजन तैयार करने लगा, उसमें प्रकाश संश्लेषण होने लगा, इसलिए उसको प्रकाश संश्लेषी या फिर स्वपोषी के नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी या स्वपोषी कहा जाता है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए थैंक यू वेरी मच, अब सबको समझ में आ गया होगा कि आर्कोबैक्टीरिया शुरू शुरू में क्या था, रसायन पोषी था और बाद में चलकर क्या हो गया, स्वपोषी हो गया। स्पष्ट लिखा होगा, देखो शुरू शुरू में आर्कोबैक्टीरिया क्या था, रसायन पोषी था, फिर बाद में यह पता चला कि यह स्वपोषी हो गया। इस तरह से धीरे धीरे जो है इसमें और भी परिवर्तन होने लगा और इस आर्कोबैक्टीरिया से, इस जलीय जीव से धीरे धीरे बड़े बड़े जीवों का निर्माण स्टार्ट हो गया। क्लियर, तो यही आपका आर्कोबैक्टीरिया है जिससे हमें आपने देखा नई जीव का निर्माण। अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स।
यानी कैसे सरल जीव से एक जटिल जीव का निर्माण हो गया, इसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें तीन तरह का कॉन्सेप्ट अभी आप पढ़ेंगे। एक लेमार्क का सिद्धांत, जो कि उद्विकास में हम सबसे पहला नाम लेमार्क का बताए थे, आपको याद होगा, तीन किताब भी बताए थे और तीन लेखक का नाम भी बताए थे, याद है? तीन किताब में कौन कौन बताए थे, एक फिलोसफिक जूलॉजिक, दूसरा द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज और तीसरा बताए थे द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तीन लेखक में किसका नाम बताए थे, लेमार्क का, डार्विन का और ओपेरिन का, याद है ना? चलिए, एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट राजकुमार जी आ चुका है, आपके मार्केट में आज से उपलब्ध है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, एकदम आज से आपके मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, कल ही छप कर आ चुकी है। क्लियर? चलिए भाई, तो क्लियर हो गया आपका। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़े जा रहे हैं, तो एक बोले फिलोसफिक जूलॉजिक जो कि लेमार्क ने लिखा था, दूसरा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो कि डार्विन ने लिखा था, और तीसरा नाम बताए थे द ओरिजिन ऑफ लाइफ जो कि ओपेरिन के द्वारा लिखा गया था। तो अभी हम आपको सबसे पहले लेमार्क के सिद्धांत को पढ़ाएंगे। तो लेमार्क ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उद्विकास में वो लेमार्कवाद कहलाता है, डार्विन ने जो दिया वो डार्विनवाद कहलाता है, और एक तीसरा क्या पढ़ेंगे, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले आपने देखा कि लेमार्क के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, उसका नाम ही था आपका फिलोसफिक जूलॉजिक। ये किताब जो अभी आप देख रहे हैं, ये किताब जो है फिलोसफिक जूलॉजिक है, एकदम आराम से पढ़िए। संध्या कुमारी ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं, पूर्व बकलर की तयन नहीं, वो फास्ट थी नहीं, इसलिए बोले कि कल भी उसके बारे में हम बता चुके थे कि आपका फिलोसफिक जूलॉजिक जो है उसके लेखक लेमार्क हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक डार्विन हैं, और द ओरिजिन ऑफ लाइफ के लेखक कौन हैं, आपके ओपेरिन हैं। क्लियर? एकदम आराम से आप लोग पढ़िए। वन लाइनर की बुक पटना से बाहर एकदम हर जगह मिल रही है, एकदम इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? हेलो, हाँ बोलो, हम क्लास ले रहे हैं, बोले ना जब भी हमसे मिलना हो तो 1 बजे से शाम के 5 बजे के बीच मिलो। एक के बतवा सबको रोज बोलते हैं, रोज फोन करते हैं। क्लियर हो गया? तो आपने देखा कि फिलोसफिक जूलॉजिक जो है, इस फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है भाई, तो आपका लेमार्क है। इन्होंने क्या किए, जय विकास के उदिया उद्विकास के कॉन्सेप्ट में 1809 ईस्वी में इस किताब को प्रकाशित किए। इसके माध्यम से क्या हो गया, इसके माध्यम से चलिए लेट आ गए, गलत बात है, सबरे टाइम से आया कीजिए। तो इसके माध्यम से क्या हो गया, उद्विकास का सिद्धांत जो है ये लेमार्क के द्वारा सबसे पहले दिया गया। और किस पुस्तक के माध्यम से, तो लेमार्क ने सबसे पहले अपनी पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक। अब उसमें क्या क्या उन्होंने महत्वपूर्ण बातें बताया लेमार्क ने उद्विकास के संबंध में, उसमें सबसे पहला बात था कि जीवों की संरचना जो होती है उसमें परिवर्तन आंतरिक बल के कारण होता है। जीवों की संरचना जो है, उस जीवों की संरचना में परिवर्तन किसके माध्यम से होता है, तो जीवों के संरचना में परिवर्तन जो है वह आंतरिक बल के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, तो जीवों में संरचना का परिवर्तन जो है वह आंतरिक बल के माध्यम से होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद दूसरा क्या है, यूज एंड डिसयूज थ्योरी, यानी उपयोगिता और अनुपयोगिता। ये सब बिल्कुल नॉर्मल सा बात है और आराम से आप लोग समझने का और आराम से पढ़ने का आप लोग काम करेंगे, निश्चित रूप से आपको पूरी अच्छी तरीका से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर? एकदम आराम से देखेंगे। देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, इसलिए एकदम आराम से पढ़ा रहे ताकि आप समझ लीजिए
और आपका दिमाग यदि समझने पर रहेगा तो समझ लीजिएगा, नहीं समझने नहीं पाएगा 10 मिनट में ही टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो अपना बोरा में जाएगा, अपना बाद में रटते रहना कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाई एकदम समझने पर ध्यान दो। सबसे पहले मैं आपको क्या बताए, लैमार्क के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसको लैमार्क बाद कहा जाता है, और लैमार्क की किताब का नाम क्या था, फिलोसफिक जूलॉजी। नॉर्मल सा बात है, कल भी हम इस पर चर्चा किए थे कि फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है, लैमार्क है। उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो लैमार्क बाद कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले क्या बताया कि जीवों की संरचना में परिवर्तन जो है वो आंतरिक बल के कारण होता है। दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया था अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता। तो कहेंगे सर ये अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता क्या है, तो कहने का मतलब लैमार्क का ये था कि मानव जिस अंग का उपयोग या कोई भी जीव जिस अंग का उपयोग वो ज्यादा करता है वह अंग जो है वो विकसित होता है, वो अंग ज्यादा सक्रिय होता है, और जिस अंग का उपयोग कम कर देता है वो अंग अविकसित हो जाता है या वह अंग क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। जिसका उपयोग वह ज्यादा करेगा वो विकसित हो जाएगा, जिसका उपयोग वो कम करेगा वो क्या हो जाएगा, अल्प विकसित हो जाएगा। ये किसने कहा था, ये आपको लैमार्क ने कहा था अंगों की उपयोगिता और उपयोगिता में, कि जिस अंग का उपयोग लोग नहीं करेगा वो धीरे 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 अल्प विकसित होते जाएगा और वो समाप्त हो जाएगा, और जिसका उपयोग वो ज्यादा करेगा वो विकसित रहेगा और उपयोगी भी रहेगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट में दिए अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता में। तीसरा चीज बताए उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसमें लैमार्क ने क्या कहा कि जिस अंग का उपयोग आप ज्यादा करते कम करते वो क्लियर हो गया। उपार्जित लक्षणों की वंशागति में क्या बताया गया कि मानव या कोई जीव जंतु जो अपने जीवन काल में लक्षण अर्जित करता है, जो गुण वो सीखता है, वो लक्षण वो अर्जित गुण जो है अगले पीढ़ी में भी जाता है। जैसे आप ईमानदार रहिएगा, आप चरित्रवान रहिएगा, आप होशियार रहिएगा, आप बुद्धिजीवी रहिएगा, तो ये लक्षण आपके बेटा में जाएगा, आपका बेटा भी चरित्रवान होगा, आपका बेटा भी अनुशासन में रहेगा, आपका बेटा भी गुणवान होगा, आपका बेटा भी बुद्धिजीवी होगा। और आप खुद भ्रष्ट रहिएगा तो आपका बाल बच्चा भी क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो जो लक्षण आप अपने जीवन काल में सीखिएगा, जो अर्जित कीजिएगा, वो आपके अगले पीढ़ी में क्या होगा, स्थानांतरित हो जाएगा, वो आपके अगले पीढ़ी में चला जाएगा। इसी को कहा जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशा गति। क्लियर हो गया। अगला कहता है लैमार्क ने अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए जिराफ और सांप के बारे में बताया कि जिराफ जो है वो किसी चीज को मैंने पेड़ से तोड़ तोड़ कर खाता है, इसलिए आप देखेंगे जिराफ की गर्दन, कभी आप देखे होंगे जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है। सांप जो है वो हमेशा रेंगने का काम करता है, उसका शरीर हमेशा लंबा होता है। यदि एक ही जंगल में एक साथ एक सांप और जिराफ रहता है तो धीरे धीरे दोनों का लक्षण, दोनों का रंग रूप जो है वह एक जैसा हो जाता है। इस बात का प्रमाण किसने दिया था, तो इस बात का प्रमाण जो है वह लैमार्क के द्वारा दिया गया। इसी को लैमार्क का सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर। और आप इस फिगर से देख रहे होंगे ये जिराफ जो दिख रहा है, इस जिराफ की गर्दनें क्या है, बहुत लंबी है। ये लैमार्क के कॉन्सेप्ट का फॉलो करता है। आप यहां पर देख रहे हैं एक जिराफ भी है और एक सांप भी है, दोनों चीज आपको दिख रहा होगा। ये जिराफ और ये सांप जो है, ये दोनों क्या होता है, एक जिराफ और एक सांप, दोनों अलग अलग जीव है, लेकिन दोनों का रंग देखिए और दोनों का स्ट्रक्चर देखिए, वो लगभग आपको समान दिखेगा। ये क्या है, ये आपको लैमार्क के सिद्धांत का ये प्रूफ है कि आप जिस वातावरण में रहेंगे वैसा नेचर, वैसा स्वभाव आपका हो जाएगा। और आप लोग भी कभी गौर कीजिएगा कि यदि आप केरल चले जाइएगा, चोर का बेटा चोर ही होगा, ये 100% सत्य नहीं है, चोर का बेटा चोर नहीं भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि चोर का बेटा जो है वो एक नया लक्षण यदि सीख लेगा तो वह चोरी नहीं भी कर सकता है। यही तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति है कि आप जो लक्षण कीजिएगा वो अगला पीढ़ी में जाएगा, लेकिन अगला पीढ़ी में जो आपका बच्चा है वह भी तो एक नया लक्षण सीख लेगा, और उस नए लक्षण में उनको लगेगा कि चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए, तो एक चोर का बेटा चोर नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, दोनों बात है। एक आईएएस का बेटा आईएएस नहीं भी हो सकता है और आईएएस हो भी सकता है, दोनों बात है। क्लियर। तो ये क्लियर हो गया, ये स्पष्ट हो गया कि लैमार्क का सिद्धांत जो है ये बिल्कुल सत्य था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डार्विन के सिद्धांत को।
तो डार्विन ने एक किताब लिखा था द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, हम आपको कई बार बता चुके हैं डार्विन की किताब का नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि प्रकृति चयन के द्वारा ही जीवों का विकास जो है इस पृथ्वी पर क्या हो गया, संभव हो गया। चलिए चलिए धन्यवाद। आईएस का बेटा आईएस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये सब लेमार्क का अपना एक कॉन्सेप्ट था, हद तक सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, नहीं 100% आप इसको ना सही, अब जरूरी नहीं कि आईएस का बेटा आईएस हो जाए, और ये भी जरूरी नहीं कि नहीं हो, वो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस परिवेश में रह रहा है, वो किस वातावरण में रह रहा है, वो कैसा लक्षण सीख रहा है, वो कैसा गुण सीख रहा है। अब थोड़ा डार्विन को सुना जाए कि डार्विन ने प्राकृतिक चयन के आधार पर जीवों के विकास के बारे में बताया, इसके लिए उन्होंने किताब लिखा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके माध्यम से क्या किया, डार्विन ने एक कॉन्सेप्ट दिया, और डार्विन ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें क्या बताया, सबसे पहला कॉन्सेप्ट डार्विन का था कि जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता होती है। डार्विन ने कहा कि कोई जीव जंतु जो है उसमें प्रजनन का बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, प्रजनन की अपार क्षमता है, यदि वो इसका सदुपयोग कर ले तो पृथ्वी पर लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा। बताइए एक मनुष्य जो है वो अपने जीवन काल में 50 बच्चा पैदा कर सकता है, क्लियर, यदि 50 बच्चा हर आदमी पैदा करे तो क्या आपको चलना चल पाएंगे पृथ्वी पर, भोजन और आवास को छोड़ दीजिए, ना भोजन मिलेगा ना आवास मिलेगा, चलना भी बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई नहीं, मनुष्य में प्रजनन की अपार क्षमता होता है, डार्विन ने ऐसा कहा नहीं, और कुछ एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि पैरामिशियम जो है वो एक घंटा में 3 बार प्रजनन करता है, सब जीव में जितना क्षमता है प्रजनन का उस सब का सदुपयोग हो जाए तो लोगों को जानवरों को जीवों को रहना इस पृथ्वी पर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक पैरामिशियम जो है वो एक घंटा में 3 बार प्रजनन करता है, स्वाभाविक है उसकी संख्या बहुत हो जाएगी। अगला है समुद्रीय मछली जो है उसका एक ब्रीडिंग सीजन जो होता है उस ब्रीडिंग सीजन में 1 मिलियन अंडा देता है, बताओ 1 मिलियन अंडा यहां है, 1 मिलियन अंडा जो मछली में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके समुद्र में आपके नदी में पानी नहीं दिखेगा, खाली मछली ये दिखेगा, मरा हुआ मछली, पानी तो दिखवे नहीं करेगा, क्लियर। सालमोन फिश और ब्रीडिंग सीजन जो होता है वो 2 करोड़ 80 लाख होता है, बता सालमोन फिश के बारे में बता रहा है 2 करोड़ 80 लाख, गॉड फिश के बारे में बताया 1 मिलियन, मनुष्य का छोटी आंत में परजीवी जो है वो 1 बार में 2 लाख जीवों को अंडा देता है, तो समझो कि ये सारे जीव यदि अपना सदुपयोग करने लगेगा तो जनसंख्या या जीवों की संख्या इतना बढ़ जाएगी कि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ जीव ही जीव दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डार्विन ने कहा था कि अंगों की, डार्विन ने कहा था कि अपार क्षमता होने के बाद भी लगभग नियत जनसंख्या है, यानी डार्विन ने कहा कि जीवों में प्रजनन का, इन जीवों में बच्चा पैदा करने का बहुत क्षमता है, फिर भी जनसंख्या क्या है, लगभग नियत है, इसके बावजूद भी पृथ्वी पर जीवों की संख्या क्या है, नियत है। तीसरा क्या है, अस्तित्व के लिए संघर्ष, कहता है कि पृथ्वी पर जो जीव जंतु है उसे अपने भोजन के लिए, उसे अपने घर के लिए यानी आवास के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, यदि इस कदर जनसंख्या में लगातार वृद्धि होगी तो आने वाली पीढ़ी को न भोजन मिलेगा और न ही आवास मिलेगा, किसने कहा था, तो यह आपको डार्विन ने कहा था कि अस्तित्व के लिए लोगों को क्या करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। यह सारी मछली का जो नाम बताए थे यह बाबू समुद्र में पाया जाता है। अगला विविधता, कहा कि संघर्ष के दौरान जीवों में बहुत सारी क्या देखी जाती है, संघर्ष के दौरान जीवों में बहुत सारी विविधताएं देखी जाती है, बहुत सारा अंतर देखा जाता है। अगला उनका कॉन्सेप्ट था युगतम की उत्तर जीवता, स्पष्ट तौर पे डार्विन ने कहा कि जिस कदर विविधता संघर्ष के दौरान लोगों में देखा जा रहा है इसमें जो योग्य रहेगा वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएगा और जो योग्य नहीं रहेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जो योग्य रहेगा वो जी पाएगा, सर्वाइवल कर पाएगा, और जो योग्य नहीं है वो सर्वाइवल नहीं कर पाएगा, ये डार्विन का सिद्धांत था। अगला है वातावरण परिवर्तनशील, उन्होंने कहा कि वातावरण दिन प्रतिदिन जो है, नियत का मतलब नहीं समझता, कॉन्स्टेंट होता है, बकला
साफे बुर्बके है अदिति, नियत मतलब कॉन्स्टेंट नहीं होता है कि अपार क्षमता प्रजनन का है, लेकिन उस कदर जनसंख्या नहीं बढ़ रही है जिस तरह से बढ़ती है, अतः वो लगभग नियत ही माना जाता है कि जनसंख्या एक कंट्रोल तरीका से बढ़ रही है। क्लियर? नहीं तो उत्तर योग्यतम उत्तर जीविता भी समझ गए कि संघर्ष के दौरान जीवों में सबसे अच्छी विविधता होती है, उसे प्रकृति चयन कर लेती है। इसका मतलब है कि जो इसमें योग्य होता है वो सर्वाइवल कर पाता है और जो योग्य नहीं होता वो सर्वाइवल नहीं कर पाता है। एकदम लाइन बाय लाइन क्लियर होते जा रहा है। अगला का वातावरण परिवर्तनशील, क्लियर हो गया कि वातावरण की परिवर्तनशीलता जो है के कारण जीवों में विविधता जमा होती है। ये वातावरण परिवर्तनशील होता है, वो हमेशा जो है परिवर्तित होते रहता है और इसी परिवर्तन के कारण क्या होता है, इसी परिवर्तन के कारण जो है इस कदर जो है परेशानियां जो है वो लगातार आपकी बढ़ती जा रही है। अगला कहता है प्रकृति के अनुसार जीवों को अनुकूल बनना पड़ता है। हम ये पहले बता दिए बाबू, वही सब लिखल न रे, बोला कि जीव जंतुओं को प्रकृति के अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है, अनुकूल करना होता है। यदि प्रकृति के अनुसार अनुकूल नहीं होता है तो वो जीव विलुप्त हो जाता है। जैसे आपने डायनासोर का नाम सुना, आपने टुड्डा का नाम सुना होगा, आपने गोरैया का नाम सुना होगा, ये धीरे धीरे विलुप्त काहे हो गया या गोरैया विलुप्त के कगार पर काहे चल गया, क्योंकि वो डायनासोर, वो चील, वो गिद्ध अपने आप को प्रकृति के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाया तो विलुप्त हो गया। आप भी अपने आप को इस वातावरण के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाए, जैसे कभी गर्मी बहुत ज्यादा हो जाता है आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाइएगा, ठंडा बहुत ज्यादा पड़ेगा एडजस्ट नहीं कर पाइएगा, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए मेरे भाई ये बात एकदम प्रॉपर रूप से ध्यान में रखना है कि यदि आप वातावरण के हिसाब से एडजस्ट नहीं करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, मौत भी आपकी हो जाएगी। क्लियर? स्पष्ट लिखा है कि लुप्त होने के कगार पर जो प्राणी जाता है उसको आप यह टोडा देख रहे होंगे या डायनासोर का नाम बताइए, ये डायनासोर और टोडो क्या है, ये लुप्त हो चुका है, समझिए विलीन हो चुका है, इसका मतलब विनाश हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो डायनासोर वो टोडा अपने आप को इस वातावरण के हिसाब से नहीं ढाल पाया। क्लियर? आगे है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जो कि ह्यूगो डी वैरिस के द्वारा ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया और इसमें इवोल्यूशन के बारे में बताया गया कि उद्विकास जो है वो अचानक घट जाने वाली एक घटना है। उन्होंने उद्विकास के बारे में उत्परिवर्तन के सिद्धांत में बताया गया कि उद्विकास जो है, इवोल्यूशन जो है, यह अचानक घटने वाली एक घटना है, अर्थात जीवों के स्वरूप में परिवर्तन जो है वो डीएनए में अचानक परिवर्तन के कारण हो जाता है। इन्हीं उन्होंने कहा कि यह सडनली एक चेंज है। उत्परिवर्तन के सिद्धांत में ह्यूगो डी वैरिस के द्वारा यह बताया गया कि जीवों में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन इवोल्यूशन कहलाता है, और वह परिवर्तन कैसा होता है, अचानक परिवर्तन होता है, सडनली परिवर्तन होता है, एकाएक डीएनए में परिवर्तन हो जाता है और लोगों में क्या हो जाता है, अचानक परिवर्तन दिख जाता है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, इस सिद्धांत को कहा गया कि जीवों में जो है अचानक परिवर्तन होता है। अब है जैविक उद्विकास के सम्मान में कुछ परिमाण दिया गया जिसमें दो चीज खूब पूछता है, एक समजात अंग के बारे में और एक समरूप अंग के बारे में। तो अभी आपको पढ़ना है कि समजात अंग क्या होता है और समरूप अंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समजात अंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में सबसे पहले समजात अंग के बारे में पढ़ेंगे कि समजात अंग क्या होता है। तो वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति एक समान होता है परंतु कार्य क्या होता है, समान नहीं होता है, कार्य अलग अलग होता है, तो उस अंग को क्या कहा जाता है, समजात अंग कहा जाता है। क्लियर हो गया? वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति एक जैसा हो, उत्पत्ति एक समान हो लेकिन उसका कार्य अलग अलग हो, कार्य भिन्न भिन्न हो, उसे समजात अंग के नाम से जाना जाता है। और समजात अंग के एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, मनुष्य का हाथ और पक्षी का पंख। मनुष्य का हाथ जो है, ये पक्षी का पंख जो है, दोनों का उत्पत्ति सेम हुआ है लेकिन दोनों का कार्य क्या है, अलग अलग है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, समजात अंग कहा जाता है। और समरूप अंग में क्या होगा, इसका उल्टा, उसमें उत्पत्ति अलग अलग होगा लेकिन कार्य एक जैसा होगा, जैसे पक्षी का पंख और तितली का पंख।
दोनों का उत्पत्ति अलग अलग हुआ लेकिन दोनों का कार्य सेम है, ये दोनों उड़ने का ही काम करता है। तो समरूप में क्या होगा, उत्पत्ति अलग अलग और कार्य समान। समजात में क्या होगा, उत्पत्ति समान और कार्य अलग अलग। क्लियर हो गया? तो ये आप समझ गए कि समजात अंग और समरूप रंग दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। समजात में उत्पत्ति एक समान होगा, कार्य अलग अलग होगा। समरूप में उत्पत्ति अलग अलग होगा और कार्य एक समान होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, पक्षी का पंख या तितली का पंख, मधुमक्खी का डंक या बिच्छू का डंक, ये दोनों क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। अगला है बीच के करी, यानी कुछ एग्जाम्पल्स आप देखेंगे जिसमें दो जीवों के बीच का करी करता है। जैसे आपने नाम सुना होगा वायरस का, ये वायरस क्या करता है, सजीव और निर्जीव के बीच करी का काम करता है। एकदम आराम से आप समझने का काम करेंगे और इसमें मैक्सिमम चीज रटने वाला है। घर पे जाके आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीका से पढ़ने का काम करेंगे, अच्छे तरीका से काम करेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, ये आपको याद हो जाएगा। ये दाल भात का कॉर्नर है बायोलॉजी, कि एक बार खाली सुनिएगा जीवन में याद रह जाएगा। ऐसा होता तो जीवन में सबको एक ही बार पढ़ना पड़ता, तो कहे नाइन्थ मैंने पढ़े, टेंथ पढ़े, अलेवेंथ पढ़े, ट्वेल्थ पढ़े, तैयो कुछ नहीं बुझा रहा है। इसका मतलब है रिविजन का चीज होता है एजुकेशन। एजुकेशन जो है, पढ़ाई जो है, ये बार बार रिवीजन करने का चीज है। एक के बार में थोड़ा दिमाग में 100% नहीं रहेगा, 90% समझ में आ जाएगा और घर पे जाके जब आप पढ़ोगे तो 100% आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, नहीं तो खाली ऑनलाइन घर में 99 रुपया में ले लेने से एडमिशन, एग्जाम में नौकरी नहीं होना है। एग्जाम में नौकरी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू। क्लियर? नहीं समझ में आएगा तो बोरा में जाएगा, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, कॉमेंट पर ज्यादा मत ध्यान दो। क्लियर? चलिए तो अब यहां पर क्या है कि यहां पर कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे जो करी का काम करेगा। जैसे कि अभी हम वायरस के बारे में बताए, ये सजीव और निर्जीव के बीच क्या करता है, करी का काम करता है। युगलीना जो है पादप और जंतु के बीच करी का काम करता है। आपका पेरिपेटस जो है एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच करी का काम करता है। तो ये सब तुमको रटना पड़ेगा, इसका कोई जुगाड़ नहीं है कि एक बार पढ़े और याद हो गया। तो आप कहेगा सर समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें भाई समझने वाला क्या है, तो तेरा याद करना है कि सजीव और निर्जीव के बीच जो करी का काम करता है उसको वायरस कहते हैं। बात बुझे? हमारे पढ़ाने के बाद यदि आप बुक पढ़िएगा तब आपको याद हो जाएगा, और बुक नहीं पढ़िएगा तो समझिए आपको याद नहीं होना, क्योंकि जो रटने वाला चीज है तो वो एक मिनट का काम है। ऐसा रहता तो क्लासरूम में कभी क्लास चलता, गांधी मैदान भर जाता, बड़ा बड़ा फील्ड में एक बार बैठाते, एक बार बोलते, सबको याद हो जाता, तो क्लासरूम का कोई आवश्यकता नहीं था। ऐसा बात नहीं चला, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो दिमाग में सेट कर लिया है कि खाली बस एक बार मोबाइल देख लेंगे याद हो जाएगा, इसको पहले दिमाग से निकाल और ये समझो कि हमको पढ़ना है, इसलिए एक बार पढ़ के आना है और पढ़ने के बाद एक बार फिर जाके घर पे पढ़ना है, तब 100% याद होगा। बात बुझा? इसलिए तुमको खुद अपने लिए काम करना पड़ेगा। नहीं तो ये सब रटने वाला चीज है, आप इसको रटिएगा कि पेरिपेटस किसके बीच काम करता है, तो एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच काम करता है। आपका फनफिश किस में काम करता है, तो ये मछली और उभयचर के बीच करी का काम करता है। उसके बाद प्रोटेरो एस्पोरेगिया किसके बीच काम करता है, तो प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के बीच काम करता है। तो कौन किसके बीच करी का काम करता है, ये चीज आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको धीरे धीरे क्या होगा, आपको रटना पड़ेगा। उसके बाद एकिडना जो है और प्रेंटिपस जो है, ये रेप्टाइल और मेमिलिया के बीच काम करता है। आपका बेलेनोगोलस जो होता है नॉन कोडेटा और कोडेटा के बीच करी का काम करता है। तो ये सब तुमको याद करना पड़ेगा कि कौन किसके बीच करी काम का काम करता है। स्लो कर दें, इसमें स्लो करने का क्या बात है, चला ये सब रटने वाला चीज है, ये तुमको याद करना पड़ेगा। अगर स्लो पढ़ाई की फास्ट पढ़ाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सब नाम तुम याद करो, ये सब रटने वाला चीज है और इसको रटने का काम करो। क्लियर? कि आपका बेलेनोगोलस जो होता है ये नॉन कोडेटा और कोडेटा के बीच क्या करता है, करी का काम करता है। ये रखना है, याद करना है, ये घर पे जाके किताब से याद कर लेना। आर्को पैट्रिक्स जो है ये क्या करता है, बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच करी का काम करता है। तो कौन किसके बीच करी का काम करता है, ये चीज तुमको याद करना पड़ेगा। आगे है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का मतलब क्या होता है, जो हमारे पूर्वजों में डेवलप था, ये समझने वाला है, समझ लीजिए। तो अब वो सब रखने वाला था, तो रटिएगा घर पे जाके। अब अवशेषी अंग समझना है, समझ लीजिए कि अवशेषी अंग का मतलब, देखिए हर सब्जेक्ट में कुछ चीज रटने वाला होता है और कुछ चीज समझने वाला होता है। तो जो रटने वाला हो तो और कम है रटना, तो तुम रटेगा उसमें हम की करेंगे,
और जो समझना है वो समझो। जैसे अवशिष्ट अंग है तो जो हमारे पूर्वजों में विकसित था, कामयाब था, लेकिन अब वर्तमान समय में वह अल्प विकसित हो चुका है या उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है, वैसे अंग को क्या कहा जाता है? वैसे अंग को ही अवशेषी अंग कहा जाता है। वैसे अंग को क्या कहा जाता है? अवशेषी अंग कहा जाता है। और अवशेषी अंग जो है, इस अवशेषी अंग में क्या आता है? तो आपका अपेंडिक्स आ जाता है, बाह्यकर्ण पेशी आ जाता है, पूंछ की हड्डी आ जाता है, यह सब क्या कहलाता है? अवशेषी अंग कहलाता है। स्पष्ट लिखा होगा, आपका अपेंडिक्स जो हो गया, आपकी तीसरी पलक हो गया, पूंछ की हड्डी हो गया, कान की पेशी हो गया, या आपका विजडम टिम्थ, लास्ट में जो अकल चौवा होता है, ये टोटल का टोटल आपका क्या हो गया? ये टोटल का टोटल जो है अवशेषी अंग के अंतर्गत आता है। लास्ट में पुराने गुणों की पुनरावृत्ति कहता है। कभी कभी बच्चों में क्या होता है, पुराने गुण जो होता है, अपने पूर्वजों का गुण जो होता है, वो भी वर्तमान समय में आ जाती है, और कभी कभी क्या हो जाता है, वो गुण लक्षण जो है वो समाप्त भी हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? पुराने गुणों की पुनरावृत्ति कहा जाता है। अब आप इस फिगर में देखेंगे, आपका लास्ट का जो दांत है, इसी दांत को क्या कहा जाता है? विजडम टीथ कहा जाता है, अकल चौवा कहा जाता है, और यह एक अवशेषी अंग है। आपका ये अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स क्या कहलाता है? अवशेषी अंग कहलाता है। रीढ़ की हड्डी जो आपका लास्ट में है, जो पूंछ की हड्डी कहलाता है, ये आपका अपेंडिक्स है। आपका कर्णपेशी जो है, ये कर्णपेशी क्या है? अपेंडिक्स है। तो ये क्लियर हो गया, ये चार पांच चीजें जो आपने अभी देखा, ये आपके अवशेषी अंग में आता है, जो हमारे पूर्वजों में विकसित थी, जिसकी उपयोगिता थी, धीरे धीरे उसका उपयोगिता क्या हो गया? खत्म हो गया, इसलिए उस अंग को क्या कहा जाता है? अवशेषी अंग कहा जाता है। उसमें दो नाम ज्यादा याद रखिएगा, एक अपेंडिक्स हो गया, एक पूंछ की हड्डी हो गया, और एक विजडम टीथ हो गया, जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए मेरे भाई, ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में कल मुलाकात होगी, तो एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आपका काम है घर पे जाके इसको अच्छे तरीका से फिर दो बार पढ़ लेना, ताकि हर चीज आपको याद हो जाए। धन्यवाद।